अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ कमल मुबारक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रोज़ ब्यूटी। आज मैं अपनी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, स्पेशली उन ख़वातीन उन लड़कियों के लिए जो ऑनलाइन बहुत शौक से परचेजिंग करती हैं मेकअप की। तो मैं बगैर टाइम से कि वीडियो आज की स्टार्ट करता हूँ, वीडियो एंड तक देखिएगा, भरपूर इन्फॉर्मेशन से वीडियो है ये और बिल्कुल एंड तक देखनी है आपने आज। और आपने बताना भी है कमेंट्स में कि वीडियो कैसी लगी आपको और आपको इससे कोई फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपने आज बतानी है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नंबर वन पे जब आप फाउंडेशन, क्योंकि ऑनलाइन लोग शॉपिंग करना आजकल बहुत पसंद करते हैं, तो होता क्या है कि फाउंडेशन के हवाले से सबसे बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि फाउंडेशन जब मंगवाते हैं वो सही चीज़ आपके घर में नहीं पहुँचती। उसकी सिर्फ तीन वजूहत होती हैं जिनकी वजह से आपको चीज़ आप तक सही नहीं पहुँचती। नंबर वन पर जो उसकी रीज़न है, आप देखा करें कि जब आपने ऑनलाइन फाउंडेशन मंगवानी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है। कॉम्प्लेक्शन का तो तकरीबन हर एक को पता होता ही है कि फेयर है, मीडियम फेयर है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है। गलती यहाँ पे करते हैं सेकंड नंबर वाली ऑप्शन पे, स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या टी जोन है, स्किन टाइप पर आके गलती होती है। और तीसरी बड़ी जो मिस्टेक होती है वो यहाँ पर होती है कि इन दो चीज़ों का अगर पता भी हो, ये तीसरी चीज़ जो है वो बेशुमार ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कस्टमर जो मेकअप यूज़ करते हैं उन्हें भी नहीं आइडिया होता, सालों साल से मेकअप करने वाले हैं वो भी यहाँ पे गलती कर देते हैं, और इसी गलती की वजह से उनके पास भी चीज़ गलत पहुँचती है। वो क्या है, अंडरटोन का नहीं पता होता, कॉम्प्लेक्शन का भी पता होता है और स्किन टोन का भी पता होता है, अंडरटोन का नहीं पता होता। ये तीनों बातें लेते हैं, ठीक है। अंडरटोन आपकी येलो है जिसे हम वॉर्म अंडरटोन कहते हैं, कूल है जिसे हम पिंक अंडरटोन कहते हैं, न्यूट्रल अंडरटोन है। ये तीन चीज़ें अगर आपको पता होगी और बाकी दो प्रोडक्ट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो इंशाल्लाह आपको एक चीज़ मिलेगी, बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। अंडरटोन का कैसे पता चलता है, अंडरटोन का इस तरह पता चलता है, ये सबसे आसान तरीका है अंडरटोन का, कि जब आपने ऑनलाइन परचेजिंग करनी है और टेस्टिंग के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास और आपने नई चीज़ें मंगवानी है और आपको पता नहीं चल रहा कैसे मंगवानी है, तो अंडरटोन इस तरह पता चलेगा कि ये आपकी रिस्क सबसे बेहतर तरीकाकार है अंडरटोन जानने का। रिस्क से कैसे पता चलता है कि हमारी जो ये बारीक बारीक नसें वेंस जिन्हें हम कहते हैं होती हैं, यहाँ से आपको परफेक्टली आइडिया हो जाता है कि आपका अंडरटोन क्या है। तो आपने मेरे साथ अपनी वेंस को देख के बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका अंडरटोन क्या है। जैसे मेरा जो अंडरटोन है वो बेसिकली ये मेरे ग्रीन बेसिकली लाइंस है, वेंस का कलर ग्रीन है, तो मेरा जो अंडरटोन है बेसिकली येलो अंडरटोन है, ठीक है। जिनका वेंस का कलर पर्पल होगा उनका जो अंडरटोन होगा वो बेसिकली होगा कूल अंडरटोन, जिसे हम पिंक अंडरटोन भी कहते हैं, और जिन्हें सही क्लियर नहीं हो रहा होता या मिक्स वेंस होती हैं, पर्पल और ग्रीन मिक्स होती हैं, उनका जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल अंडरटोन होता है, ठीक है। इसी तरह जो फाउंडेशंस आती हैं इनका भी स्किन टोन के हिसाब से ही लेनी पड़ती हैं, जब स्किन टोन के मुताबिक आएगी तो आपको चीज़ सही आएगी। फाउंडेशंस में भी इसी तरह फाउंडेशंस होती हैं, कुछ होती हैं हैवी कवरेज फाउंडेशन, कुछ ऑयल फ्री फाउंडेशंस होती हैं और कुछ होती हैं ऑयल बेस्ड फाउंडेशन। ये जो हैवी कवरेज फाउंडेशन होती हैं इनकी ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिनकी स्किन के ऊपर एक्नी और बहुत ज़्यादा निशान या डार्क स्पॉट्स होते हैं, और जिनकी स्किन बिल्कुल प्लेन होती है वो मीडियम टू लाइट कवरेज वाली फाउंडेशन यूज़ कर लें, बेशक ऑयल फ्री फाउंडेशन भी यूज़ कर लेंगे ना तो उससे भी उन्हें अच्छी कवरेज ही मिलेगी। और जिनकी स्किन ड्राई होती है वो हमेशा याद करें फाउंडेशन जो जब भी यूज़ करें, वो फाउंडेशन जब भी यूज़ करनी हो तो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करें, जिससे उनकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस जो पैचेज पड़ जाते हैं वो पैचेज नहीं पड़ेंगे। ये थी मेरी अंडरटोन के हवाले से और फाउंडेशन सिलेक्शन के हवाले से मेरी कम्प्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नए ब्रांड के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना रखना।